फ्रेंड्स, एक खबर आ रही है। सीबीआई ने अरेस्ट किया है दुर्गावती को, जो कि वाइफ है राम भवन की। कौन है ये राम भवन? राम भवन वही है जूनियर इंजीनियर जिसको अरेस्ट किया गया था सीबीआई द्वारा, एक्सप्लॉयटिंग द चिल्ड्रंस ऑन सेक्सुअल अब्यूज। आप लोगों को ध्यान होगा, एक खबर आई थी यूपी के एक जूनियर इंजीनियर को सीबीआई द्वारा अरेस्ट किया गया था। 50 ऐसे बच्चों को एक्सप्लॉयट करता था सेक्सुअली और उनके वीडियोस को डार्क वेब में रिले करता था, ये खबर आई थी। और अब उस पर एक कार्रवाई हुई है। कार्रवाई राम भवन के वाइफ पर हुई है। क्या है पूरी खबर, मैं आप लोगों को बता दूं। खबर ये है कि वाइफ ऑफ राम भवन वॉज सेंट टू द कस्टडी टिल जनवरी 4। शी वॉज ट्राइंग टू मैनिपुलेट द एन इन्फ्लुएंस प्राइम विटनेस इन द केस अगेंस्ट हर हस्बैंड। आप लोगों को ध्यान होगा, वो एक सीरियल चाइल्ड मोलेस्टर था, उसका हस्बैंड है इनफैक्ट, जो कि अब सीबीआई की कस्टडी में है यूपी बांदा डिस्ट्रिक्ट में। ये काम करता था, जिसको सस्पेंड किया गया था एज जूनियर इंजीनियर, एक्यूज्ड ऑफ सेक्सुअली एक्सप्लॉयट ओवर 50 चिल्ड्रंस। आप लोगों को ध्यान हो, इसको नवंबर में अरेस्ट कर लिया गया था सीबीआई द्वारा, क्योंकि ये वीडियोस की रिकॉर्डिंग करता था 5 से 16 साल के बच्चों की, और उस वीडियोस को ये सेल आउट करता था डार्क वेब में, रिले करता था डार्क वेब पर, और जिसके चलते इसे अरेस्ट कर लिया गया था सीबीआई द्वारा। बांदा, चित्रकूट और हमीरपुर जैसी जगहों पर ये अपने काम को अंजाम देता था। इंटरनेशनली डार्क वेब पर सर्कुलेट करता था वीडियोस जो कि एक्सप्लॉइट करता था। हालांकि इसके पास से काफ़ी एविडेंसेस मिले, 8 लाख रुपए भी मिले थे अरेस्ट के टाइम पे, और कई डिवाइसेस, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव्स और सेक्सुअल टॉयज भी, जो कि ये एक मामला सामने आया था। तो फिलहाल अब उसके वाइफ दुर्गावती को अरेस्ट कर लिया गया है सीबीआई पुलिस द्वारा और कस्टडी में भेज दिया गया है जनवरी 4 तक, क्योंकि वो मैनिपुलेट करना चाह रही थी और इन्फ्लुएंस करना चाह रही थी विटनेस को अगेंस्ट, जो कि उसके हस्बैंड के अगेंस्ट में खड़े थे। फिलहाल इतना ही, एक बड़ी खबर कुछ और खबरों के साथ कुछ देर में। धन्यवाद।